फैक्टर्स दैट सेटअप सेफ एंड प्रोडक्टिव क्लास रूम्स फिजिकल डायमेंशन का एक बहुत अहम हिस्सा ये है कि सेफ एंड प्रोडक्टिव क्लास रूम्स जो हैं उनको एंश्योर किया जाए वो हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो फिजिकल स्पेस है क्लास रूम की वो क्या, कैसी है फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स शुड सी वेल स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी जगह पर उनको पोजिशन करें उनको ऐसी जगह के ऊपर बिठाएं दे कैन सी दर क्लासरूम प्रोसीडिंग्स वो टीचर को अच्छी तरह से देख सकें वो चॉकबोर्ड को अच्छी तरह से देख सकें वो अपने साथी तलब इम जो उनके साथ बैठे हैं उनको सही तरह से देख सकें और अगर वो ग्रुप वर्क कर रहे हैं इवन देन दे शुड बी एबल टू एक्सेस एंड दे शुड बी एबल टू सी इच अदर प्रॉपरली इसके अलावा प्लीज अरेंज द क्लासरूम इन अ वे दैट देर आर नो ऑबस्ट्रक्शन बाजा अवकात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो गिर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने ही बैग जो है जो साथ में पड़ा है उससे ठोकर लगकर गिर जाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन जहां पर होगी वहां पर गिरने का और चोट लगने का जो एहतमाल है उतना ज्यादा हो जाता है इसके अलावा प्लीज मेक श्योर दैट द लाइटिंग इज एडिक्वेट किसी भी क्लासरूम में प्रॉपर लाइटिंग जो है उसका होना बेहद ज़रूरी है और अगर ज़रा सी भी लाइटिंग जो है वो ख़राब होती है तो उसको उसी वक्त रिपेयर करें क्योंकि जब तक प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली देख नहीं सकते बाज़ बच्चे जो हैं उनकी नज़र कमज़ोर होती है इसलिए जो प्रॉपर लाइट का क्लासरूम में होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का भी ख्याल करें कि वो स्टूडेंट्स जिनकी नज़र कमज़ोर है उनको आप आगे बिठाएं ताकि वो हर चीज़ को प्रॉपरली देख सकें इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है दैट यू मस्ट नो योर स्टूडेंट्स यू नो यू शुड नो देयर मेडिकल इश्यूज एंड यू शुड नो देयर प्रॉब्लम्स सो दैट यू कैन रिजॉल्व देम एट द राइट टाइम इसके अलावा ये देखें कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम में घूम फिर रहे हैं या वो चल फिर रहे हैं तो वो प्रॉपरली चलें और उनकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे सो so इस चीज का ख्याल रखें कि क्लासरूम में एक प्रॉपर स्पेस जो है वो चलने फिरने के लिए मौजूद हो ताकि आराम के साथ चल फिर कर काम किया जा सके आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी कम स्पेस होती है कि वे दूसरे पर गिर भी जाते हैं तो ये इस चीज़ को मिनिमाइज करना बेहद जरूरी है इसके अलावा इस चीज का ख्याल रखें कि जो क्लासरूम है उसकी जो स्पेस है आपके पास उसकी एलोकेशन प्रॉपर हो क्लासरूम बहुत बड़ा भी ना हो कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको आपको देखने में या आपको स्टूडेंट्स को देखने में मुश्किल हो और वो इतना छोटा भी ना हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराएं सो हैव अ रीजनेबल बैलेंस स्पेस इन द क्लासरूम जहां पर तमाम फैसिलिटीज के मौजूद होने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो आराम के साथ बैठ सकें इसके अलावा प्लीज एंश्योर के जो सराउंडिंग हैं उनका नॉइज लेवल कंट्रोल्ड हो क्योंकि अगर बाहर जो है वो आवाज या शोर होगा तो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाएंगे या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे इस चीज का ध्यान रखें कि नॉइज लेवल जो है आउटसाइड और इनसाइड द क्लासरूम बोथ इट इज कंट्रोल्ड ये एक क्लासरूम का मंजर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज वेल लेड आउट जो फिजिकल स्पेस है वो प्रॉपरली उसको मॉनिटर करने के बाद प्रोवाइड किया गया है ग्रुप्स की शक्ल में यहां बच्चे जो हैं वो बैठेंगे और मटेरियल्स टेबल्स के ऊपर पड़े हुए हैं क्लास के आगाज से पहले ही एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से घूम फिर भी सकते हैं और क्लासरूम कोई बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है जहां पर वो खो जाए सो फिजिकल स्पेस की मॉनिटरिंग और प्रोविजन जो है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल इसके अलावा टीचर कहाँ खड़ी है द पोजिशन ऑफ द टीचर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टीचर मस्ट स्टैंड एट अ प्लेस वेयर शी इज विजिबल टू द स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम

यहां पर आप देख रहे हैं तस्वीर में कि जो टीचर की पोजीशन है वो इस तरह है कि शी इज फेसिंग द स्टूडेंट्स एंड शी इज स्टैंडिंग एट अ पोजीशन वेयर शी इज विजिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स और यहां पर आप ये भी देख रहे हैं कि एक सेमी सर्कल की सूरत में अरेंज की गई है क्लासरूम स्पेस सो दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन प्रॉपरली सी द टीचर सो टीचर पोजिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज फार एज द फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ क्लासरूम इज कंसर्न